आज मैं आप लोगों के लिए बैंगन की इतनी बेहतरीन रेसिपी लेकर आई हूँ, जिन्हें बैंगन खाना पसंद हो या ना हो वो भी खाएंगे। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो सबसे पहले जितना बैंगन आपको बनाना उतना ले लीजिए। मैंने 3 बैंगन छोटे मीडियम साइज़ के लिए है, उसके साइड पीछे का पार्ट हमें हटा लेना है। और जिस तरीके से हम लंबे शेप में कट कर रहे हैं आप भी बिल्कुल वैसे ही करिएगा। थोड़ा सा इसका स्लाइस मोटा होना चाहिए, आपको मैं दिखा देती हूँ कट करके। ये देखिए बिल्कुल इतने पर ही रहना चाहिए, एकदम बिल्कुल बढ़िया है। और सारे स्लाइस को हमें कट करके हमें पानी में रख देना है ताकि कालापन ना हो जाए इससे। और थोड़ा सा साथ में डाल देंगे नमक, जिससे कि काला नहीं पड़ता है बैंगन। और इसे निकाल के हम सुखा लेंगे, थोड़ा सा पानी पोंछ लेंगे इसका कपड़े से। अब हमें एक कटोरे में ले लेने हैं 2 बड़े चम्मच मैदा लिया हमने, साथ में लेंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, साथ में ले लेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा लेंगे काली मिर्च पाउडर, और साथ में ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे चाट मसाला। अब इसे क्या करना है, पानी डाल के एक थिक सा बैटर रेडी कर लेना है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ही पानी पहले डालिएगा बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद हम ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसे भी डालने के बाद अच्छे से हमें बैटर को मिक्स कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब मैं आपको बताती हूँ, जो हमने बैंगन के स्लाइसेस कट कर रखे थे इसे इसमें डिप कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए अच्छे से कोट हो जा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमने ब्रेड क्रम लिए हैं और इसमें हम इस तरीके से ब्रेड क्रम अच्छे से कोट कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। अब हमें क्या करना, अब हम इसे चलते हैं फ्राई करने। फ्राई करने के लिए मैं तवे पे फ्राई करूँगी बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल में, ये आप देख सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसे अच्छे से फैला लेंगे। उसके बाद जैसे मैंने मैदे के घोल में टिप करके ब्रेड क्रम को लगा दिया था बिल्कुल वैसे ही सारा लगाते हुए तुरंत करते हुए इस पे हमें तवे पे डाल देना है। गैस की फ्लेम एकदम मीडियम ही रखेंगे ताकि एकदम हमारा बैंगन का जो नाश्ता है एकदम क्रिस्पी सा बने। तो ये देखिए इसे लो टू मीडियम पर इसे हमें एक साइड पका लेना है, फिर मैं आपको पलट के दिखा देती हूँ। ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स, और टेस्टी भी बहुत है। आप इसे किसी चीज़ के साथ एंजॉय करिए, बहुत ही अच्छा लगता है। चटनी सॉस केचप किसी के साथ भी आप इसे एंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप ऐसे भी खा सकते हैं, तो एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। तो देखिए हमारे दोनों तरफ से सीख चुका है, एकदम कलर भी बहुत प्यारा आया। थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे ताकि हमारा पलटा हुआ नीचे का भी सिक जाए अच्छे से। तो इसे उलटते पलटते ये देखिए हमारा एकदम बढ़िया सा कलर आ चुका है, ये क्रिस्पी भी बनता है साथ में और टाइम भी आपका बहुत कम लगता है। तो ये देखिए हमारा नाश्ता बनके बिल्कुल रेडी है। मैं आपको दूसरे साइड का भी दिखा देती हूँ, दूसरे साइड का भी एकदम अच्छे से सीख चुका है, एकदम बढ़िया सा। मैं सारा ही आपको पलट के दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए तो हमारा नाश्ता बन के रेडी है। अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा।